हेलो गाइस, फाइनली वी आर इन गोवा। बहुत सारे वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन गोवा वाला एक भी वीडियो नहीं है। तो गोवा का ये फर्स्ट वीडियो होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। लगभग एक साल हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट होके, लेकिन एक भी गोवा का रिलेटेड वीडियोस नहीं है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट गोवा वीडियो। तो मुझको ढेर सारा सपोर्ट चाहिए आपके साइड से, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा हुआ है। तो राइट नाउ हम गोवा में हैं, और गोवा में अभी हम एक्चुअली देखिए बीच पे है। इस बीच का नाम है अगोंडा बीच। हमने ये बीच क्यों चूज़ किया है, मतलब अभी देख के आपने काफ़ी सारे लोग कलुंगड़ बीच, बागा बीच तो विज़िट किया ही है, और वहाँ पर कितना रश होता है, आपको वहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे बीच का व्यू आपको दिखाया जाए जो थोड़ा यूजुअल ना हो, थोड़ा यूनिक हो, यूनिक फ्रॉम कलुंगड़ बीच एंड बागा बीच। तो देखिए यहाँ पे कोई रश नहीं है, यहाँ पे आराम से आप आके एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, मतलब आपके लिए प्राइवेसी मिलेगी, ओपन एरिया है, कोई मतलब क्या बोलते भीड़ भाड़ एरिया नहीं है। हम तो बेलगाम के हैं, और देखिए हम अभी फिलहाल अगोंडा बीच पे हैं। तो चलो व्यू एंजॉय करते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा पानी है, और वहाँ पे बीच पे और थोड़ा लैंड है, तो वहाँ पे चलते हैं। और देखिए गाइस लिटरली कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब किसी को ये प्लेस के बारे में इतना पता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हो गोवा विज़िट करने, तो ये वाला स्पॉट ज़रूर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल फ्रीडम मिलेगा, फुल प्राइवेसी मिलेगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो इसके बाद में हमारा प्लानिंग है बटरफ्लाई बीच एक्सप्लोर करना। तो आप लोगों के लिए बटरफ्लाई बीच भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। तो गाइज हम फिलहाल अभी बटरफ्लाई बीच के पार्किंग में हैं, और यहां से लगभग 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, और यहां पे एंट्री फीस 100 रुपीज़ है, और यहां से ऐसा चल के जाना पड़ेगा लगभग 2 किलोमीटर। गाइज देखिए लगभग 1 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम ट्रैक कर रहे हैं गोवा में। कर्नाटका में बहुत ट्रैक कर चुके हैं हम, लेकिन गोवा में फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं। तो सचिन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये सवाल मैं आपको पूछना है, कैसा लग रहा है? इस बंदे को अगर ट्रैकिंग के बारे में पूछोगे तो ये आपको नेगेटिव कमेंट्स ही देगा, क्योंकि इसका साइज़ देख के आपको लगेगा नहीं कि ये ट्रैक कर पाएगा या नहीं। हम तो कितना भी लंबा ट्रैकिंग क्यों ना हो हम जी जान लगा देते हैं, लेकिन ये बंदा है ये नेगलेक्ट करता है। मेरे से नहीं होता भाई, ये 2 किलोमीटर ट्रैकिंग है भाई, मेरी छोटी छोटी बच्ची, मेरी छोटी छोटी बच्ची बाबा। तो अभी लगभग 1.5 किलोमीटर बचा है। और गाइस फाइनली आफ्टर ट्रैकिंग फॉर 2.5 किलोमीटर्स वी हैव रीच्ड ऑन द बटरफ्लाई बीच। देखिए पीछे का व्यू देखिए,
और गाइज ये स्पॉट काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो इस स्पॉट का मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस स्पॉट पे आ सकते हो। थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा गाइज, थोड़ा मुश्किल है इस स्पॉट पे आने के लिए, लेकिन जैसे ही आओगे आपको ये व्यू देख के जितना भी आप कुछ ट्रैक किए हो वो सब भूल जाओगे। आपको सामने का व्यू दिखाऊंगा, जस्ट एंजॉय द व्यू। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो ऑफ गोवा, और ये लास्ट बटरफ्लाई बीच था। और देखिए ये आज पार्ट वन यहाँ पे एंड करता हूँ, और दो दिन के बाद आपको पार्ट टू देखने को मिलेगा। तो चलो आज इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, चलो टेक केयर। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन जरूर क्लिक कीजिए। बाय बाय, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू।